ऑपरेशन शंखनाद के तहत जसपुर पुलिस लगातार गौ तस्करों के खिलाफ जो अभियान चला रही है उसी के तहत कल झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए गांव डडगांव में हम लोगों ने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर हमारी टीम गई और वहां पर रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें से 15 नग गौवंश, एक कार जो कार रेकी में प्रयुक्त होती थी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और जो आरोपी उस गाँव में इस मामले में संलिप्त थे उनकी सघन तलाशी अभियान चल रही है। और कल जैसा कि इस गांव का इतिहास रहा है, जाने पर महिलाएं पुलिस के साथ उलझती है और अपने आदत के मुताबिक कल भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सख्त तेवर को देखते हुए उन लोगों ने फिर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई और पुलिस आरोपियों को लेकर आ गई। इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, गाड़ी को भी रासात किया जाएगा। और अभी तक हमारे ज़िले में 459 गौवंशों को मुक्त कराया गया है, 49 आरोपियों को इन सारे मामलों में जेल भेजा गया है और आगे भी ये हमारा अभियान जारी रहेगा। नमस्कार जी, वंदे मातरम, आप देख रहे हैं IMNB न्यूज और आप सुन रहे थे जसपुर जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को, जिन्होंने एक रेड डाली है। बड़ा ही साहस का कार्य है, क्योंकि इन गांवों में जब भी पुलिस पहुंची है तो हमला हो गया है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सामने कर कर ये लोग हमला करते हैं। ये इनका एक तरीका है, ये तरीका पूरे भारत में है। जब भी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होती है जो गौ तस्करी में, धर्मांतरण में और लव जिहाद जैसे मुद्दे पे जब फंसते हैं तो ये लोग स्त्रियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को सामने करते हैं। लेकिन SP शशि मोहन की सूझबूझ से इस गांव में ऐसा कोई घटना नहीं घट पाया। महिला बल के साथ पुलिस ने रातों रात दबिश दी और गांव से सबसे बड़े तस्कर अलीम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। अलीम कुरैशी एक नामी गौ तस्कर है, इसका इस गाँव में आतंक है। पुलिस यहाँ कभी रेड करती नहीं और जब करती है तो घिर जाती है महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों से। यही एक कारण है कि पुलिस यहां जाने से झिझकती थी। झारखंड की सीमा में लगा यह गांव काफ़ी भयानक है, क्योंकि पुलिस जहां नहीं होती वहां कानून भी नहीं होता और गैर कानूनी कामों का अड्डा बन जाता है। SP शशि मोहन की सूझबूझ से लगातार झारखंड की सीमा से लगे गाँव में पुलिस दबिश दे रही है और आधुनिक तौर तरीकों का उपयोग कर इन आरोपियों के गिरफ्तारी का जाल बुन रही है, क्योंकि शातिर अपराधी हैं। झारखंड की सीमा से लगे जसपुर जिले में ये दोनों राज्यों का लाभ उठाते हैं।